वेलकम फ्रेंड्स टू एजुकेशन रिफॉर्मर्स दोस्तों आप लोग का एजुकेशन रिफॉर्मर्स में बहुत बहुत स्वागत है वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू कोर्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश स्टडीज फॉर क्लास टेंथ 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन वी विल एक्सप्लेन ऑल लेसन्स ऑफ इंग्लिश इन हिंदी सो डैट यू कैन गेट एटी आउट ऑफ एटी इन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर डैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड Join our Telegram group. Link will is provided in description box. Learn with Education Reformers so that by less study you can get full marks into board examination. We will provide summary notes, question answers, sample paper of each and every lessons of Hindi and in English. So friends let's start summary of all chapters so, so subscribe the channel and start the journey to get full marks in hindi and in english so the first lesson of first flight lesson 1 a letter to god in this lesson we will provide you the summary in this video itself and in the another video we will provide question answers and in the another video we will provide previous year papers means आप ये कह सकते हैं कि जो पिछले साल questions आए हैं इस lesson के वो आप लोग को हम provide करेंगे तो ये अपनी journey हम शुरुआत करते हैं आज से ही अस्सी में अस्सी पाने की इंग्लिश में और हिंदी में तो हमारे लेसन साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए तो स्टार्ट करते हैं लेंचो इज़ एन फार्मर ठीक है कोई भी फार्मर होता है उसका ये सोचना रहता है कि जो वो फ़सल लगाया है वो अच्छी होगी इसी तरह लेंचो भी या सोच रहा था कि उसकी फसल काफ़ी अच्छी होगी बट ड्यू टू हैवी स्ट्रॉ ही इज़ हारवेस्ट डिस्ट्रॉयड अब सुनते ही होंगे रोज़ की ज़िंदगी में ये न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ फार्मर्सों ने क्या सुसाइड कर लिया है और फार्मर्स मर रहे क्यों क्योंकि उनकी फ़सल बर्बाद हो गई है उसी तरह लंचो भी परेशान था लेकिन उसका विश्वास भगवान ने बहुत ज़्यादा था ही बिलीव इन गॉड सो ई थिंक दैट गॉड विल हेल्प हिम तो उसने सोचा कि गॉड ने ही तो स्ट्रांग कराया है तो गॉड ही हेल्प कर दे मेरी सो ही राइट अ लेटर टू गॉड इसलिए इस लेसन का नाम अ लेटर टू गॉड है लेंचो ने लेटर लिखना शुरू किया ही आस्ट गॉड ही आस्क गॉड टू सेंड हिम वन हंड्रेड पैसॉस जिस देश में वो का वो निवासी था वहाँ पैसॉस करेंसी चलती थी तो उसने वन हंड्रेड पैसॉस की गॉड से रिक्वेस्ट की आप मुझे दे दूँ भाई ठीक है ही वेंट टू दोस्ट ऑफिस आप बताइए भाई वो पोस्ट ऑफिस गया पुट हीज लेटेड इन टू द पोस्ट बॉक्स उसने पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डाल दिया कि भगवान जी मुझे सौ पैसॉस दे दो ठीक है द पोस्टमैन रिमूव द लेटर बॉक्स ऑन द लेटर बॉक्स ठीक है तो पोस्टमैन जैसे कि करते हैं लेटर निकालते हैं एड्रेस पढ़ते हैं और देने जाते हैं लेकिन जब पैसॉस का लेटर पोस्टमैन ने पढ़ा तो उसमें लिखा था एड्रेस में कि गॉड को भेजना चाहता है तो कोई भी लव करेगा उसी तरह से पोस्टमैन भी हंसता है खूब ज़्यादा और वो वो लेटर जो पैसा जो लंचो का है उसको पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है उसी तरह सबका रिएक्शन होगा पोस्ट मास्टर भी खूब ज़्यादा हंसता है और बोलता है ये क्या है बट वैन दे रीड द लेटर जब वो उस लेटर को पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यह सोचते हैं कि कैसे हम इसको हेल्प करें सो पोस्ट मास्टर पुट मनी इन एन इनप एंड एड्रेस टू लेंचो तो उसने क्या किया जो पोस्ट मास्टर था उसने सोचा कि चलो इसकी हेल्प हम करते हैं तो एक इनप लेके उसमें पैसे कुछ डाले और बोला कि जाओ उसको दे आओ लंचो को बट वैन लंचो गॉट इन्प लेकिन जब इनवल्प लंचो को मिलता है ही वॉज नॉट सरप्राइज वो इतना भगवान विश्वास करता था कि उसको कोई सरप्राइज हुआ ही नहीं उसने सोचा तो अच्छा भगवान भेज दिए होंगे अब बताइए अब बताइए ऐसा भी हो रहा है इतना भगवान भरोसा था उसको कि उसको लगा हो सकता है भगवान भेज दिए हों बट वैन ही काउंटेड द मनी ही गॉट एंग्री ही वंस अगेन रोड द लेटर तो जब उसने वो इन्वल्प खोल के देखा तो उसमें सत्तर पैसॉस थे तो वो भाई बोला कि ये क्या है भगवान से कैसे मिस्टेक हो सकती है तो उसको डाउट हुआ कि हो सकता है ये पोस्ट ऑफिस वाले पैसे कम कर दिए हों सो ही पुट अनदर लेटर इन द बॉक्स तो उसने एक और लेटर लिख दिया गॉड को भाई गॉड जी जो अपने पैसे नहीं भेजे वो भी भेज दो बट ही पुट द लेटर इन द फिर से उसने जाके पोस्ट ऑफिस में दे आया जब वहाँ का एम्प्लॉय वो दोनों देखे कि ये फिर से आके लेटर डाला है अब वो सोच रहे थे क्यों डाला है लेटर भाई फिर से क्यों डाला है वो सोच रहे थे फिर से ये लेटर क्यों डाला है तो जाके पढ़े तो उसमें क्या था आप लोग को जान के हैरानी होगी उसमें था उसने कम्प्लेंट कर दिया गॉड को कि क्यों भाई भगवान जी हमको सत्तर पैसों क्यों दिया आपने उसने बोला रेस्ट ऑफ द मनी भी मुझे भेज दीजिएगा लेकिन इस बार भगवान जी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो पैसे हैं ये इनके थ्रू मत भिजवाइएगा क्योंकि ये मुझे डिसऑनेस्ट मतलब थीफ टाइप के लगते हैं कि मेरे पैसे ये रख सकते हैं अपने पास ये लेसन की पूरी एक थी दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को लाइक करिए ऐसे ही हर लेसन का आपको मिलेगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स सैम्पल पेपर्स मतलब जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये सारा आपको प्रोवाइड होगा दोस्तों इसलिए चैनल साथ जुड़े रहिए और हमें आगे बढ़ाइए थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो